तुम तो बोले जेल भी भेज देंगे उनको, हमने तो यार कानून कहती है तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा, कानून के सामने हम भी नहीं कुछ कर सकते। तुम नेता टाइप बोलते हो, चुनाव उन्होंने लड़ना है क्या? नेता टाइप क्या बोले, हमको नेता में जाना ही नहीं। क्या करना है फिर हमको? आईएएस बनना है। क्या करोगे आईएएस बन के? आईएएस बन के हम शिक्षा प्रशासन और भ्रष्टाचारियों, हमसे जो नीचे रहते हैं भ्रष्टाचारियों, और जो है नियम का पालन इतना चीज हम करवाते हैं। अगर आईएएस नहीं बन पाए तो क्या बनोगे फिर? हम तो पहला बार अगर नाकामयाब होते हैं तो हम दूसरा बार अवश्य कामयाब। नीतीश जी के गृह जिले में, या कहिए तो नीतीश जी के गाँव में एक बच्चा अभी बड़ी चर्चा में है, वो बच्चा हमारे साथ है, बड़ा पूरी देश की मीडिया इधर आ रही है। देखे हम 5-7 गाड़ी तुम्हारे घर के बगल में लगा था, ऐसा क्या हुआ? हमको समाचार मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अपने पत्नी मंजू देवी सिन्हा की पुण्य तिथि पर आ रहे हैं, तो हम गए, मैंने गए वहाँ पर पहुँचे तो हम बोले सर से, सब लोग मेरा सहयोग थे, तो बोले सर से कि सर जो है हम को उतना मैंने क्षमता गार्जियन के नहीं है पढ़ाने का, आप हमको पढ़ने के लिए हिम्मत। तो उन्होंने बोला कि क्या करते हैं गार्जियन, तो हम बोले कि दही बेचते हैं और ये क्या कहते हैं खेती करते हैं। तो उसके बाद जो है वो बोले कि उन सबका पैसा कहाँ जाता है, उससे पढ़ाना नहीं चाहिए, गार्जियन ही पढ़ाते हैं। तो हम बोले गार्जियन उतना सक्षम नहीं है सर, और शराब पी जाते हैं। मैंने तो बोले कि अच्छा ठीक, तो उसके बाद बोले कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा DDC जो साहब थे वो बोले। आज कहाँ जा रहे हो अभी? तुम तो जा रहे थे कहीं सरकार में बैठ करके। यस, बड़ा डिमांड है तुम्हारा। यस, तो कहाँ जा रहे थे? DM सर के पास। DM साहब बुलाए हैं? हाँ। तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार से मिलने के बाद इस बच्चे को DM कार्यालय में बुलाया गया, वहाँ ये जा रहा है। तो सुना है कि तुम पढ़ाते हो, देखने में इतना छोटा लगते हो, तो तुम पढ़ते हो या पढ़ाते हो? पढ़ते और पढ़ाते दोनों। किसको पढ़ाते हो? जैसे हमसे जो छोटा का है, मतलब पांचवा हम भी पढ़ते हो, वो भी पढ़ता। तो पांचवा के बच्चे को तुम पढ़ा भी देते हो? क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम एक साल जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। कितने बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे पास? 35 था, तो उसमें मैंने 10-15 को जो है मैंने इधर उधर मैंने शादी लगन में कोई घूमने गया है गर्मी की छुट्टी मनाने, इस प्रकार से। कितना पैसा लेते हो एक बच्चे से? एक बच्चे से है 100 रुपया है, जिसका लिखने नहीं आता उसको, एक बच्चा है जो कि लिखने नहीं आता है उसका 50 रुपया। 50 रुपया एक महीने में 100 रुपया? यस। अच्छा, तो लगता है कि बिहार के जो स्कूल है, जो सरकारी, तुमने कहा कि सरकारी स्कूल सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, तुम्हें कहीं और, तो उस क्या सरकारी स्कूल से क्या प्रॉब्लम है? सरकारी स्कूल से ये प्रॉब्लम है कि सरकारी स्कूल में जो सर है, दीपक कुमार नाम के सर है, जिनको कि खुद नहीं आता है, मैंने पढ़ने जो है इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ाते थे और उसका हिंदी नहीं समझा पाए हमको, इसलिए वो बोले मिस को पूछ लो। अब उस समय मिस उधर थे, हमको तो हमको उस समय बहुत परेशानी हुई कि मैंने हम उनको बोले कि भाई सर आप क्यों नहीं बता सकते, तो बोले कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। तो हम बोले कि हमको तो सब्जेक्ट, आप तो सब्जेक्ट भी नहीं बताते कि कौन सब्जेक्ट लेते आते हैं, एक आधे दिन ABCD लिखते थे, एक दिन कहा लिखते हैं और बाद बैठ जाते हैं ऑफिस में। तो बोले कि जाओ आराम से मिस से पूछ लो, उसके बाद मैं हम छोड़ दें। हाँ, वो भी सर का। अभी कहाँ पढ़ते हो? अभी सरकारी। तो तुम बोले सरकारी स्कूल पढ़ाता नहीं है और तुम पढ़ते भी वही हो, मतलब? सर लेकिन करे क्या, कम से कम एक जगह जाएंगे तो भी है, जाना तो भी पढ़वे ना करेगा। आजकल लोग बच्चे जो है तुम्हारे एज के जो बच्चे हैं, मेरा बेटा भी इतना 11 साल, कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 11। वो भी 11 साल होने वाला है उसका। दिन भर में अगर स्कूल से आता है तो 5 घंटा अगर उड़ाता है तो 4 घंटा मोबाइल में गेम खेलता है। तुम भी खेलते हो? मोबाइल तो है नहीं? नहीं, गेम नहीं खेलते। तो हमको जो समय मिलता है हम देखते भलो है। क्या देखते हो? जैसे कोई जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पीच, बिहार का मुख्यमंत्री जी का स्पीच, सदन का हंगामा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। माननीय, अगर राजनीति में इंटरेस्ट है तुम्हारा? नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, उनसे हम सीखते। क्या? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उनका एक चैनल है नरेंद्र मोदी, दिखा रहता है। हाँ, यूट्यूब पर। हाँ, कालाकोट में मोदी जी उस पर है। वो एक बच्चे जो है, बच्चों से सवाल पूछे, उससे मैंने, उसमें हमको इंटरेस्ट है कि उनका वीडियो हम देखते हैं तो कुछ मैंने सीखने को मिला। फिल्म देखते हो? वीडियो देखते हो तो उसमें फिल्म भी देखते? फिल्म देखते हैं संडे को। तो कौन
ऑडिशन आया खुद राजन ये वो गीता रानी मैडम बोला जो कि स्कूल को कौन सा फिल्म तुम्हें सबसे बढ़िया लगा उसको बार बार देख सबसे अच्छा तो लगा ये गीता रानी वाला कौन हीरो है उसमें उसमें हीरो है गीता रानी इसको इसको मैं हीरो के और बात करें तो उसमें कोई हम नहीं मानते हैं लेकिन वो एक फिल्म है जो कि हमारे जो सर हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है तुमने नीतीश जी को बोला कि वो स्कूल हमें पढ़ाता नहीं कहीं और एडमिशन कर तो अभी तुम कोई स्कूल चूज कर रखे हो जहाँ एडमिशन होना चाहिए नहीं हम ये चाहते हैं कि वो सर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो पहले वो काम जो हम बोल रहे हैं पहले उस पर विचार करें और हम ये चाहते हैं कि भारत के सबसे नंबर वन प्राइवेट स्कूल कौन है नंबर वन प्राइवेट स्कूल भारत में कौन तो तुम प्राइवेट स्कूल में ही क्यों पढ़ना चाहते हो नंबर क्योंकि सरकारी में सब नीतीश जी भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं नीतीश जी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में प्रधानमंत्री भी पढ़े पहले के जमाना में ये जानिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता था कढ़ाई कौन बोला तुम्हें अच्छा तो अंग्रेजी भी तुम बोल ले तो अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं तुम अंग्रेजी कोई हमको पता नहीं है लेकिन एक सर गए थे तो उसमें मैंने बोला तो यस सर नो सर सर तो लेकिन एक जो सर पढ़े यही पाँच महीना से मैंने हल छूटा है अभी एड्रेस भी कुछ नहीं हुआ है देख सकते हैं आप एक वीडियो में अच्छा तो अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाते कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा देते हो क्लास फाइव में